हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय बाबेरी। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए व्लॉग में, जिसमें हम आपको रामदेवरा रुनेचा धाम के दर्शन करवाने वाले हैं। सो दोस्तों, बने रहिए हमारी इस वीडियो के एंड तक। जय बाबेरी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जो जानते हैं कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे, भक्तजनों में काफ़ी मायूसी थी। और जैसे ही अब धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं तो काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। हमें भी काफ़ी खुशी हो रही है कि काफ़ी लंबे समय बाद हम भी दर्शन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए। दोस्तों, भक्ति में शक्ति होती है ऐसा हमने सुना था। आज हमने अपनी इस यात्रा के दौरान इन भक्तगणों में देखा जो 500 किलोमीटर की दूरी तय कर श्री गंगानगर से रामदेवरा के लिए पैदल यात्रा पर निकले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों, चलिए हम अपने सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं और आगे का रुख करते हैं। जय बाबेरी, जय हो राम सापीर की। दोस्तों, हम सीधा अब चलेंगे डालीबाई जी के मंदिर में, जहां हम दर्शन करने वाले हैं डालीबाई जी के। दोस्तों, जब भी हम रामदेवरा आते हैं, रुनेचा धाम आते हैं, तो डालीबाई जी के दर्शन हम करने जरूर जाते हैं। जय डालीबाई जी की। डालीबाई जी के दर्शन करेंगे हम यहां पे। जय डालीबाई जी की। आप भी भक्तों, दर्शन कीजिए। जय डालीबाई जी की। तो दोस्तों, हम डालीबाई जी के दर्शन करके अब सीधा धर्मशाला में आए हैं और इस धर्मशाला में हम अब कुछ देर विश्राम करेंगे। दोस्तों, ये है बाफना पैलेस धर्मशाला, जिसको बाफना पैलेस वालों ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है सफाई के मामले में भी। तो दोस्तों, हम यहाँ करेंगे थोड़ा विश्राम और फिर थोड़ी देर में ही हम निकलेंगे यहाँ से बाबा जी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, सब रेडी हैं, फ्रेश हैं, अब हम सीधा रुख करेंगे मंदिर की ओर। दोस्तों, काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी श्रद्धालु आए हुए भी हैं, कोरोना की हिदायतें दी जा रही हैं। दोस्तों, आप राम सापीर की। और दिन दोस्तों, ये एरिया पूरा खचाखच श्रद्धालुओं से भरा रहता है। जय राम सापीर की। दोस्तों, दर्शन कीजिए आप भी। दोस्तों, यहाँ आके काफ़ी अच्छा महसूस होता है, काफ़ी अच्छा लगता है आपको, आत्मिक सुख मिलता है आपको, आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। अगर सच्ची श्रद्धा से अगर कुछ भगवान से मांगा गया हो तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। दोस्तों, ये है समाधि डालीबाई जी की और यहाँ पुजारी जी भजन कीर्तन करते हुए। और ये डालीबाई जी का कंगन। दोस्तों, ये है राम सरोवर, जिन्हें रामदेव जी महाराज जी ने बनवाया था। भक्तजन यहाँ आकर डुबकी लगाते हैं और रामदेव जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
दोस्तों ये है बावड़ी, जिसे पर्चा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी गहराई में बनी हुई है। दोस्तों आगे ले चलते हैं हम आपको और दर्शन करवाते हैं आपको पर्चा बावड़ी के। दोस्तों पर्चा बावड़ी की यह मान्यता है कि इसके पानी को अगर शरीर पर लगाया जाए तो शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। आप भी दर्शन कीजिए। दोस्तों ये है रामदेवरा मार्केट, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, कोरोना के चलते बहुत कम भीड़ है। दोस्तों तो दोस्तों दर्शन करने के बाद अब है हमारी वापसी। जय बाबेरी। तो दोस्तों सबको लगी हुई है भूख, यहाँ रुकेंगे कुछ देर और चाय नाश्ता कर खाना खाकर और फिर हम लौटेंगे आगे घर की ओर। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने आगे दोस्तों में शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।